अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद खान और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त 200 से ज्यादा बिटकॉइन की तरह की क्रिप्टो करेंसीज प्रिवेल कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलाकाई करेंसीज भी अवेलेबल है। इसी तरह बहुत सारी एक्सचेंजेस भी पूरी दुनिया में इंटरनेट पर अवेलेबल है जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डील कर रही है। लेकिन आज हम फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे और इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि हर किसी को समझ लग जाए कि फाइनेंस एक्चुअली में है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानब। वीडियो की जानब जाने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं बाइनांस को। जब हम बाइनांस का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हम देखेंगे कि 2013 में बाइनांस फाउंडेड हुआ, मार्ज वजूद में आया और ये माल्टा में मार्ज वजूद में आया। उसके बाद ये बाइनांस एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्रांड के साथ काम कर रहा है, जिनमें से सबसे पहले बाइनांस यूएस, बाइनांस सिंगापुर और बाइनांस जर्सी और इसके साथ साथ बाइनांस डॉट कॉम, ये इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। लेकिन जब हम बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंगली बाइनांस के ऊपर बात करेंगे तो हमें क्रिप्टो करेंसी में से बिटकॉइन को स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा बाइनांस को समझने के लिए। तो जब हम बाइनांस को समझने के लिए क्रिप्टो को रखते हैं अपना स्टैंडर्ड, तो हम देखते हैं कि बेसिक ट्रेडिंग, इसके अंदर हम इसको ना चार डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन करेंगे। बाइनांस डॉट कॉम को हम आगे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे इसको समझने के लिए। बाइनांस डॉट कॉम हमें प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिक ट्रेडिंग, एडवांस ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनांस हमें, चाहे वो बिगनर है, चाहे वो एक्सपर्ट है, चाहे वो शुरू अभी करने वाला है या जो कि पहले ट्रेडिंग को जानता है क्रिप्टो की, इन सभी के लिए बेनिफिशियल है, फायदामंद है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो फीचर आ रहा है बाइनांस क्विन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि बाइनांस क्विन क्या होती है। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट है, ब्रोकरेज सर्विसेज। बाइनांस अपने यूजर को ब्रोकरेज सर्विसेज भी दे रहा है। ब्रोकरेज सर्विसेज की इसकी फीस काफी हाई है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको फैसिलिटेट करेगा क्रिप्टो करेंसीज को परचेज करने में, लेकिन ये बहुत सिंपल होगा, इजी टू यूज होगा। दूसरी इसकी आएगी बाइनांस क्विन की बात करेंगे। बाइनांस क्विन की जब हम बात करेंगे तो ये होगा क्राउड फंडेड मैकेनिज्म की बेस के ऊपर, क्योंकि एक टोकन दिया जाएगा जो कि आईसीओ इन्वेस्टर को दिया जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है बाइनांस के ऊपर तो इसको एक टोकन दिया जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, ताकि वो क्रीडेंशियल उसके पास मौजूद रहे। उसके बाद एक मैकेनिज्म बीएनबी ट्रेड अगेंस्ट अदर क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब ये है कि बीएनबी जो कोपन होगा, बाइनांस की क्विन होगी, उसको अगर हम दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट, क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो हमें उसके ऊपर भी बेनिफिट होगा। और दूसरा, इसके ऊपर हमें बाइनांस बीएनबी के अगेंस्ट ह्यूज बेनिफिट्स भी दे रहा है। अगर हम इसको परचेज करेंगे, इसके ऊपर सर्विसेज अक्वायर करेंगे, बाइनांस के ऊपर बीएनबी के जरिए ही ट्रेडिंग करेंगे तो ह्यूज किस्म के डिस्काउंट भी मिलेगा। जब हम बात करें बाइनांस की फीस के हवाले से तो बाइनांस 0.1 फ्लैट चार्ज कर रहा होता है ऑल ओवर इट्स सर्विसेज के। जितनी भी ट्रेडिंग बाइनांस के ऊपर हो रही होती है उसके अगेंस्ट 0.1% की जस्ट चार्जिंग इसकी फीस है। और जब हम बात कर रहे होते हैं फाइनेंस की बीएनबी की, अगर हम बीएनबी के अगेंस्ट इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या बीएनबी यूज कर रहे हैं इसकी जो फाइनेंस की कुल है, तो 25% एक्स्ट्रा एडिशनल हमें डिस्काउंट मिलेगा।
ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और फीसिस की बात करें तो बहुत मजेदार फीसिस है, हमें काफी ट्रेडर को काफी बेनिफिट हासिल होता है। इसके अलावा एक और फीचर है बाइनांस का, जिसको हम कह रहे होते हैं बाइनांस SAFU। SAFU क्या होता है? सिक्योर्ड एसेट फंड फॉर यूजर। ये होता है जितनी भी ट्रेडिंग की होती है उसके अगेंस्ट जितनी भी फी एक्वायर की होती है बाइनांस ने आपसे, उसका 10% आपको इंश्योर कर रहा है अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या आपका थेफ्ट हो जाता है, चोरी हो जाते हैं फंड्स, तो ये आपको 10% की सिक्योरिटी दे रहा होता है, सिक्योर कर रहा होता है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम देखेंगे बाइनांस की एडिशनल सर्विसेज कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है। बाइनांस सेविंग अकाउंट्स, बाइनांस सेविंग अकाउंट से मुराद है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी परचेज करके सेविंग अकाउंट्स में रख सकते हैं, जहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब सूद मिलेगा फिक्स। उसके बाद आप माइनिंग पोल क्रिएट कर सकते हैं, 8-10 लोग अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो बाइनांस के जरिए कीजिए, उसके भी सर्विसेज दे रहा है, डेबिट कार्ड की भी सहूलत दे रहा है, स्टेकिंग अकाउंट्स की भी सहूलत दे रहा है, उसके अलावा एडवांस सिक्योरिटी अकाउंट भी दे रहा है, एडवांस अकाउंट सिक्योरिटी भी दे रहा है। अगर हम बाइनांस की कंक्लूजन की बात करें, इसका कंक्लूजन निकाले, ओवरऑल बेनिफिट्स दे रहा है कि हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बिगनर से लेकर एक्सपर्ट तक ये अपनी सर्विस दे रहा है ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा 200 से जायद प्रिंट को सपोर्ट कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहा है, और जब हम बात करने जा रहे होते हैं इसके सपोर्ट सर्विस सिस्टम की, कस्टमर सर्विस की बात करने जा रहे होते हैं, तो वो एवरेज है, वो एवरेज कस्टमर सर्विस जो है वो इसलिए है कि पूरी दुनिया में लोग इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये हर बंदे को 24/7 फैसिलिटेट करने में थोड़ा सा डिले कर जाते हैं। ये कोई इसी के साथ नहीं, हर कंपनी के साथ ही है। तो अगर आपको ये वीडियो बाइनांस के रिलेटेड अच्छी लगी है, बेनिफिशियल है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो लाजमी शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अरशद खान इजाजत चाहेगा। अल्लाह।